एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत डिफरेंट होने वाली है। आज मैं अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम एक हॉल डाल रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं बिग बाजार गई थी तो मुझे लगा मेरे को आपके संग शेयर करना चाहिए कि मैं बिग बाजार में क्या क्या लेके आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉल। सबसे पहले मैं लेके आई बिग बाजार से ये गुड़िया। जी हाँ, ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और ये खत्म होने से पहले ही हमारे यहाँ वापस आ जाती है, तो भुजिया। नेक्स्ट मैं लेके आई ये दो प्लास्टिक का कंटेनर्स। इसके अंदर वो छोटी छोटी चीजें रखने में बड़ी अच्छी रहती हैं, जैसे सूप्स हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, ये सब चीजें, जिससे ये सामान फैलता नहीं है, छोटा छोटा सामान। ये मैं दो लेके आई हूँ। ये एक मैं जो लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ अपने एंट्रेंस वाली जो कबर्ड है, जिसे हम फॉयर कहते हैं, उसके अंदर सामान रखने के लिए, जैसे जो खुले पैसे आए, पॉकेट से निकले, की चेन्स हैं, ये सब कुछ, तो वो ड्रॉअर पूरी मैसी नहीं होती है। तो ये दो चीजें। दूसरा मैं लेके आई अपने बेबी के रूम के लिए ये फ्लोरेसेंट स्टार्स एंड मून्स। जी हाँ, मैं इसके रूम को डेकोरेट करने के लिए लेके आई हूँ, तो जब मैं इसको स्टिक करूंगी तो मैं आपको उसका रूम जरूर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगना चाहिए मेरे ख्याल से, सो लेट्स सी। नेक्स्ट जो मैं लेके आई, ये आई, ये आज फ्राइडे है ना, कॉफी पॉपकॉर्न। जी हाँ, हमारे दोनों ही फिनिश हो गए थे तो हम दोनों लेके आ गए, कॉफी और पॉपकॉर्न, एकदम क्लासिक कॉम्बिनेशन, फ्राइडे इवनिंग मूवी। ये मेरे को बनाना नहीं आता, पर मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे कैरमल पॉपकॉर्न बनाते हैं, तो कभी वो बनाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। आई लव कैरमल पॉपकॉर्न। नेक्स्ट ईयर विवान लेके आया, उसको बहुत पसंद है चॉकलेट, तो उसके लिए। नेक्स्ट पापा, घर में खत्म हो गया था। उसके बाद ये भी विवान के लिए। अभी रोज घर में कढ़ाई नहीं चढ़ सकती है, रोज तेल नहीं चला जाता, तो मैं ये उसके लिए लेके आई हूँ, और इसको मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। 180 डिग्री पे 2-3 मिनट प्री हीट करिए, फिर 4-5 मिनट इसको डाल दीजिए और इतने बड़े होके निकलते हैं। कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। नेक्स्ट लेके आई मैं ये मिलेट, ये वाला ब्रांड मिलेट। इसको कैसे बनाते हैं, इसको आप अलग से कुक करके राइस की तरह मिक्स दाल के संग खाओ, बहुत टेस्टी लगता है, या फिर इसको दाल चावल मिक्स करके और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के खिचड़ी की तरह बनाओ, बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। सो फॉर अ चेंज मैं एक और मिलेट लेके आई हूँ, पर ये मैंने कभी बनाया नहीं है, मुझे नहीं पता है मैं कैसे बनाऊंगी, मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता। अगर आपने कभी बनाया तो मुझे इसका रेसिपी जरूर कमेंट सेक्शन में बनाइएगा, बताइएगा। यह है फॉक्सटेल मिलेट। मुझे लगता है वैसे ही बनता होगा, बट आई डोंट नो, आई नेवर कुक्ड दिस मिलेट बिफोर, तो पता नहीं कैसा बनेगा, ले तो आई हूँ। अभी नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ ये गार्लिक की मेयोनीज। पता नहीं भगवान को कैसा लगेगा, मैंने इसको अभी खोल के स्मेल किया था, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग गार्लिक फ्लेवर है, सो आई डोंट थिंक विवान को ये अच्छा लगने वाला है, और उसका प्लेन वाला फिनिश हो गया है, तो अभी पता नहीं इसका क्या होगा। और हमारे यहाँ हम लोग मेयोनीज खाते नहीं है, सिर्फ विवान ही खाता है, वो भी कभी कभी, तो अब ये पता नहीं मैं इसका क्या करूँगी। नेक्स्ट चीज जो मैं लेके आई हूँ वो है ये रोस्टेड फ्लेक्सीज। जी हाँ, पतंजलि का। हम तो सिंपल वाले फ्लेक्सीज भी खाते हैं, जैसे स्मूदीज में डाल के या किसी भी, पर विवान को वैसे नहीं अच्छा लगता है, उसको जनरली ये वाला अच्छा लगता है, तो सुबह स्कूल जाने से पहले एक हाफ टी स्पून वो खाना पसंद करता है, तो मुझे लगता है हेल्दी चीज है, ले लो बच्चे के लिए, सुबह सुबह पेट में अच्छी चीज जाती है, तो ये विवान के लिए रोस्टेड फ्लेक्सीज। नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ वो ये है चना। बोरिंग लगता है ना, इसका सीक्रेट बताती हूँ। इस चने को आप मिक्स करिए शुगर के साथ। जी हाँ, ये मैं लेके आई हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है, ये है ऑर्गेनिक जागरी,
अगर आपके पास ऑर्गेनिक जागरी नहीं है तो कोई भी जागरी पाउडर, कोई भी जागरी पाउडर लीजिए, चना लीजिए, इन दोनों को मिक्स करिए और स्पून से खाइए। इतना यमी 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 फ्लेवर लगेगा कि आप मुझे हमेशा थैंक यू बोलेंगे। ये आपकी इवनिंग के 3-4 o'clock की जो आपको हंगर लगती है ना ऑफिस के अंदर, और जो स्वीट क्रेविंग होती है वो सब खत्म कर देगा। लेट नाइट मूवी देखते समय जो थोड़ी सी स्वीट क्रेविंग होती है, ये खाइए। आपको किसी भी मिठाई शुगरी चीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग, प्लीज प्लीज डू ट्राई इसका कॉम्बिनेशन, चना और जागरी, कोई भी जागरी चलेगा। मेरे पास ये ऑर्गेनिक जागरी मिला तो मैं ले आई, अदरवाइज नॉर्मली मैं कोई भी जागरी डाल के इसको बना के एक डब्बे में रखती हूँ, अपने ऑफिस में भी रखती हूँ मैं, जिससे कि मैं कभी भी खा सकूँ। तो ये था, अभी ये बैग खाली हो गया, इतना ही लाई थी। ये बैग हमारा फिक्स है, हम हमेशा यही बैग लेके जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे हर बार नया बैग नहीं खरीदना पड़े। तो ये हमारा फिक्स डीमार्ट और बिग बाजार का बैग रहता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये पहली हॉल की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मुझे फॉक्सटेल मिलेट्स बनाने का कोई रेसिपी आप लोग को पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मेरी फॉक्सटेल मिलेट्स जो है वो खराब ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय दिस हॉल। टिल देन, बाय बाय।